आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाध्यान में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक से वर्कशीट नंबर 8 और आज की हमारी तारीख है 19 अक्टूबर। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आज हम जो खास बात सीखने वाले हैं, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि संविधान क्या होता है, तो संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण, ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है और आज हम इसी के बारे में और कुछ खास बातें जानने वाले हैं। तो देखिए, संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों के मन में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधता वाले हमारे देश में यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था, इसलिए इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 में गठित की गई विधानसभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रहीं, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमने जो पढ़ा उसे डिस्कस कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी को पता है भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था और उससे आज़ादी के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया, आज़ादी के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया और अंत में बहुत सारे आंदोलनों के बाद, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद, संघर्ष के बाद स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन तब तक स्वतंत्रता मिली नहीं थी, उससे पहले ही जो राष्ट्रवादी थे, यानी कि जो भी देशभक्त थे, राष्ट्रप्रेमी थे, उनके मन में ये बातें आने लगी थी कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनको सबको स्वतंत्रता समानता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता बहुत सारी तरह की है, जिसमें घूमने फिरने की, बोलने की और बहुत तरह की आज़ादी शामिल है। बिल्कुल उसी तरीके से समानता बहुत सारे स्तरों पर है, जिसमें हम बात करते हैं नौकरी करने की समानता हो सकती है, किसी चीज़ में भाग लेने की समानता हो सकती है, शिक्षा की समानता हो सकती है, तमाम तरह की समानता है। वो सभी तरह की समानता मिल सके, मतलब हर स्तर पर समानता मिले और सबको समान अवसर भी मिले। लेकिन समस्या ये थी कि भारत बहुत बड़ा देश है, विविधता है और विशालता, दोनों ही अगर मायनों की बात करें तो दोनों ही मायनों में भारत संपन्न है, विशाल भी बहुत है और विविधता भी वहाँ पर बहुत है। अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, इन सभी तरह के लोग जो है भारत में रहते हैं और ये अब तक हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो अब बात ये थी कि ऐसा संविधान कैसे बने कि सभी लोगों को समान अवसर भी मिल जाए, समानता भी मिल जाए। तो इसके लिए एक सभा बनाई गई और उस सभा में 300 के आसपास लोग शामिल थे और उन 300 लोगों ने काम करना शुरू किया भारत के लिए संविधान बनाने का। और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखना होगा कि ये सभा आज़ादी से पहले ही बन गई थी, आज़ादी से पहले ही इसके गठन का काम शुरू कर दिया गया था और फिर काम शुरू हो गया था संविधान को बनाने का, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और इस तरीके से अगर हम देखें तो 12 दिन कम और कुछ ही दिन बचे थे। 12 दिन तो बहुत कम होते हैं, सिर्फ 2 हफ्ते और निकल जाते या 12 दिन और बीत जाते तो पूरे 3 साल हो जाते। तो सिर्फ मतलब अगर हम कहें लगभग 3 साल लग गए तो कोई बहुत गलत बात नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात होगी कि लगभग 3 साल लग गए। तो संविधान को बनाने में करीब 300 लोगों ने 3 साल मेहनत की, तब जाकर बना हमारा संविधान। और हमारी संविधान सभा जो थी उसकी समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का पितामह भी कहते हैं, मतलब भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो जब हम बात करें संविधान की, तो संविधान सभा के सामने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऐसा संविधान तैयार किया जाए जिसमें सबको समान अवसर मिले, समान
सत्ता मिले, जबकि भारत में इतने सारे धर्म, इतनी सारी सोच, इतनी सारी विविधता के लोग रहते हैं उसके बाद भी। और इन लोगों ने, जो संविधान सभा के सभी सदस्य थे, इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो आइए पढ़ते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, न तो भाषा एक, न धर्म एक, न एक जैसी संस्कृति। इसके बाद भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक दस्तावेज यानी कि संविधान तैयार कर दिया और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाया। मतलब इन्होंने न केवल संविधान का निर्माण ही किया, बल्कि उसे बनाने के साथ साथ सबकी, सबके धर्म जाति, सबके धर्म और संस्कृति का, भाषाओं का ध्यान रखते हुए सभी चीज़ों का निर्माण किया, जिससे कि किसी के भी हितों का हनन न हो सके, यानी किसी के भी हितों को हानि ना पहुंचे। तो संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? हमारे संविधान का मुख्य लक्षण या मुख्य आयाम है उसका संघवाद होना, संघीय शासन। तो ये संघ क्या होता है, संघवाद या संघीय शासन या संघ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सरकार जो है वो कई स्तरों पर बनेगी और अलग अलग स्तर पर शासन किया जाएगा। इसका मतलब है देश चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकार होना। और हमारे देश में तीन स्तरों पर सरकार काम करती है। पहला स्तर है केंद्र सरकार का, जिसे हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं, जिसमें जिसे हम लोकसभा के इलेक्शन के जरिए से प्रधानमंत्री इसी के तहत चुना जाता है। फिर द्वितीय होती है राज्य स्तर की सरकार, जिसे हम राज्य सरकार बोलते हैं, इसे विधानसभा के इलेक्शन के जरिए मुख्यमंत्री हम इसी में चुनते हैं। और तीसरा होता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायत के इलेक्शन और नगर निगम के यानी कि एनसीडी वाले इलेक्शन होते हैं। इसकी ही वजह से भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, इस मुद्दे की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। हम बात करें, भारत बहुत बड़ा देश है, तो सीधी सी बात है अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़रूरतें भी होंगी, क्योंकि वहाँ की सब कुछ वहाँ का अलग है। सिर्फ धर्म और भाषा की संस्कृति अलग भर नहीं है, वहाँ की जमीन भी अलग है, वन भी अलग तरह के हैं, माहौल अलग तरह का है, सब कुछ अलग तरह का है, खेती अलग तरह की है, जीवन जीने का तरीका अलग तरह का है। तो ऐसी स्थिति में अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकार राज्यों को दिए गए हैं, ताकि वो अपने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कुछ नियम बना सकें। तो अब हमें और ये इसका प्रावधान भी संविधान में है, संविधान में इसका पूरा डिटेल दिया गया है। तो हमें एक एक्टिविटी दी गई है, हमें करना क्या है, हमें एक बैंक का नाम लिखना है जो हमारे घर के पास है, स्कूल का नाम लिखना है तो अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए, डिस्पेंसरी का नाम लिख दीजिए, अस्पताल का, और पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद का नाम भी लिखना है तो जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिखिए। उसके बाद जो आपका यहाँ का MP है यानी सांसद है, पापा से पूछिए, पापा जी को ये पता होगा। फिर विधायक का नाम भी आपके पापा जी बता पाएंगे और निगम पार्षद का नाम भी उन्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो आसपास में औरों से पता करके लिखिए। ये आपको खुद करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं आप कौन सी जगह पर रहते हैं, नहीं तो मैं इसे पूरा करके आपको दे देती। ये आपको खुद करना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी बताना है कि कौन केंद्र राज्य का शासन, कौन केंद्र शासन में आता है, कौन जो है राज्य का है, कौन अन्य है। तो मैं ये आपको बता देती हूँ, सांसद सबसे पहले लिखा है तो सांसद केंद्र में आता है। मैंने आपको बताया ना, लोकसभा के इलेक्शन में सांसद और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। फिर दूसरा राज्य के इलेक्शन की बात हुई, जिसमें विधायक और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। फिर अन्य में निगम पार्षद आ जाएगा, जिसमें ये तीसरा स्थानीय शासन है। तो ये थी पूरी बातें जो आज हमने सीखी हमारी वर्कशीट में। चलो अब देखते हैं हमने क्या सीखा। संविधान का निर्माण करते हुए जो चुनौतियाँ मुख्य सामने आईं, वो थी भाषा, धर्म और संस्कृति। और इन सब के बाद समान अवसर देना और सरकार में सबको बराबरी हिस्सेदारी देना, ये सबसे बड़ी समस्या थी। फिर संघवाद से आप क्या समझते हैं, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है। संघवाद है कई स्तर की सरकार, ताकि अलग अलग प्रकार की सरकारें होने के साथ साथ लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। फिर हमारे देश में कितने स्तर की सरकार है ये पूछा गया है, तो वो तीन स्तर की सरकार है, प्रथम और ये द्वितीय
और ये तृतीय जिसकी हमने बात की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। फिर हमसे पूछा है संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब ये तीन स्तर की सरकार जो हमने बनाई ये क्यों जरूरी है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं, तो राज्य अपने लोगों के लिए फैसला ले सके इसलिए संघवाद जरूरी है। और इसीलिए संविधान में भी कुछ सूची दी गई हैं जिस पर हम या राज्य अपने लोगों के लिए अलग निर्णय ले सकता है। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी बहुत सारी ज्ञान वाली वर्कशीट जिसे हमने इस वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको सच में इससे कुछ लाभ हुआ है तो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे आ रहा लाइक का निशान, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते हैं उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उन्हें कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी और उनका काम भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।